प्रधान वानी के खात्मे के एक साल पूरा होने पर बौखलाया आतंकियों का सरपरस्त पाकिस्तान, पुंछ में सीजफायर का उल्लंघन। सुबह 6:30 बजे से पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेलिंग, फायरिंग में सेना के जवान और उनकी पत्नी की मौत। छुट्टियों में पत्नी साफिया बी के साथ अपने गांव आया था सेना का जवान मोहम्मद शौकत, एलओसी के पास खारी बॉर्डर पर गांव। भारी फायरिंग की वजह से गांव तक नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस, इलाज मिलना था मुश्किल। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों पर कर रहा है फायरिंग, भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के हाजिन इलाके में पेट्रोलिंग पार्टी पर हमले में 3 जवान जख्मी। श्रीनगर की सड़कों पर सन्नाटा, बुरहान वानी के शहर त्राल में कर्फ्यू। गांधी में टेंशन को देखते हुए अमरनाथ यात्रा पर एक दिन का लगा ब्रेक, राज्य सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों में 6 जुलाई से 10 दिन की छुट्टी का किया ऐलान। आतंकी बुरहान वानी के प्रति कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज के मन में उमड़ा प्रेम, मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा बुरहान अगर जिंदा होता तो वो उससे बातें करते। बुरहान वानी के पिता ने लोगों से शांति की अपील की, मुजफ्फर वानी ने कहा इलाके में कोई हिंसा ना हो, पत्थरबाजी और बंदूक ना चले। जर्मनी के हैमबर्ग में G20 देशों के नेताओं ने आतंकवाद पर की चोट, आतंकियों की सभी पनाहगाह नष्ट करने का लिया संकल्प। G20 की बैठक में आतंकवाद पर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए हुए पाकिस्तान को घेरा, कहा कुछ देश सियासी फायदा उठाने के लिए आतंकवाद का कर रहे हैं इस्तेमाल। G20 देशों को एकजुट होकर सुदृढ़ तथा सशक्त कार्रवाई करनी होगी। टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सेफ हैवन तथा उनके स्पॉन्सर्स के विरुद्ध G20 देशों को एकजुट होकर। सिक्किम सेक्टर में तनाव के बीच हैमबर्ग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ की। जर्मनी दौरे के आखिरी दिन आज कई देशों के नेताओं के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत, शाम करीब 4 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। मेरामी संपत्ति और रेलवे के होटल घोटाले में सीबीआई के रेट पर भड़के लालू यादव, मोदी शाह को ललकारा। नरेंद्र मोदी अमित शाह भाजपा के प्रमुख होने से हम रुकने वाले नहीं है, हम फांसी पर चढ़ जाएंगे और हमारा परिवार। लालू यादव ने किसी भी तरह के घोटाले से किया इनकार, कहा जिन होटलों को लीज देने के नाम पर सीबीआई ने छापा मारा वो एनडीए के शासनकाल में हुए आवंटित। लालू रावड़ी और तेजस्वी यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ 420 और 120A के तहत केस दर्ज होने से बिहार की गरमाई सियासत, लेकिन डिप्टी सीएम से तेजस्वी नहीं देंगे इस्तीफा, लालू ने अटकलों पर लगाया ब्रेक। लालू मामले पर नीतीश ने साधी चुप्पी, लेकिन ममता ने खुलकर किया समर्थन, बीजेपी पर सीबीआई के दुरुपयोग का लगाया आरोप। अपने बयानों को लोग फिर सुर्खियों में आए, तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, पश्चिम बंगाल के बशीरहाट दंगे पर दिया भड़काऊ बयान। अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे, जिस प्रकार से कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया उसी प्रकार से बंगाल से हिंदुओं को भगाकर बांग्लादेश जैसा एक राज ये लोग बना देंगे। बशीरहाट में एंट्री रोकने से खफा बीजेपी, आज कोलकाता में करेगी रैली, राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन लगाने की करेगी मांग। कांग्रेस के मौजूदा हालात पर बोले पी चिदम्बरम, कहा यूपीए 1 और 2 में कार्यकर्ताओं और संगठन की उपेक्षा को मिली सजा। दार्जिलिंग में जेजेएम की हड़ताल का आज 29वां दिन, अलग राज्य की मांग को लेकर ममता सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन। वाराणसी के दौरे पर आज जाएंगे योगी आदित्यनाथ, शहीद परिवार को देंगे सहायता राशि, बाद में स्कूल चलो अभियान का करेंगे शुभारंभ। इटावा में यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मारपीट करने वाले मां बाप के बारे में छात्रों से पूछा, एक छात्रा की आंखों में आए आंसू, आप बीती सुनकर मंत्री ने कार्रवाई का दिया भरोसा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक उमेश मलिक ने शिक्षा विभाग में तैनात एक कर्मचारी को जमकर लताड़ा, जेल भेजने की दी धमकी। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर बाढ़ राहत मंत्री स्वाति सिंह ने छिड़का नमक, मजबूरी में तटबंधों पर रहने वाले लोगों को बताया अतिक्रमणकारी। यूपी के गड्ढे के शिकार हुए बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी, कानपुर में गड्ढे में फंसी कार को निकालने के लिए जेसीबी की मदद। पिथौरागढ़ में 3 दिन से लगातार बारिश, कई सड़कें बंद, फंसे लोगों को निकालने में जुटे एसडीआरएफ और एसएसबी के जवान। बद्रीनाथ में हाईवे पर पत्थर गिरने से ट्रैफिक बाधित, तो खुद ही सड़क की सफाई में जुटे यात्री। उधमसिंह नगर में बारिश की वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 फीट तक भरा पानी, डॉक्टर मरीज हुए परेशान। मूसलाधार बारिश की वजह से कुमाऊं में गौला नदी के जलस्तर में इजाफा, ग्रामीण इलाकों में कटान होने से बढ़ने लगा खतरा। यूपी के मिर्जापुर में उफनती नदी में डूबे 3 लोगों में से 1 बच्चे का शव बरामद, 2 की तलाश जारी।
बाराबंकी में घाघर नदी में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, राहत कार्य के लिए 4 केंद्र और 9 शिविर बनाए गए। वाराणसी में 24 घंटे के अंदर 2 मीटर तक गंगा के जलस्तर में उफान, प्रशासन ने घाटों पर किया बैरिकेड। फरुखाबाद में तालाब के जलस्तर में बढ़ोतरी, गांव में घुसा पानी, पलायन को मजबूर हुए लोग। कोलकाता में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में सड़कों पर भरा 2 फीट तक पानी से जनजीवन ठप। असम में 15 जिलों के करीब 1000 गांवों में बाढ़ का संकट, करीब 4 लाख लोग हुए प्रभावित। हापुड़ में टोल टैक्स मांगने पर बवाल, कुछ लोगों ने कर्मचारी पर किया हमला। अमरोहा में क्राइम ब्रांच ऑफ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इनामी बदमाश जख्मी होकर गिरफ्तार, 2 पुलिस वाले भी घायल, तमंचा कारतूस बरामद। झांसी में 2 दिन पहले हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार, लूटपाट के दौरान शोर मचाने पर ली थी जान। बिजनौर में बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों से 8 बाइक और 2 स्कूटर बरामद। इलाहाबाद में नाबालिग गैंगरेप पीड़ित ने की आत्महत्या, पीड़ित परिवार ने सीएम से की इंसाफ की मांग। यूपी के एटा में छात्र से रेप का एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के झांसी में स्कूल की छत पर हाईटेंशन तार की चपेट में आकर खेल रहे एक छात्र की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। लखीमपुर खीरी में रोडवेज की बस में 21 यात्रियों से लाखों की लूट, बदमाशों के हमले में कंडक्टर जख्मी। ललितपुर में यूपी पुलिस की वर्दी दागदार, दलित समुदाय के लोगों ने पुलिस वालों पर लगाया बंधक बनाकर पिटाई करने का आरोप। बागपत के बड़ौत में पंचायत का फैसला, दहेज के लिए हत्या करने के आरोपियों का सामाजिक बहिष्कार का सुनाया फरमान। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित कैफे में डेबिट क्रेडिट कार्ड लोन कर 13 लाख की ठगी, कैफे का आरोपी कर्मचारी फरार, जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात बदमाश को किया गिरफ्तार, झज्जर करनाल और हिसार में 3 हत्याओं का आरोप। दिल्ली के मंडावली रेलवे स्टेशन पर युवक की चाकू मारकर हत्या, अब तक नहीं हुई मृतक की पहचान। दिल्ली के नजफगढ़ में हरियाणा रोडवेज की बस से कुचलकर लड़की की मौत, बाल बाल बचा, बाइक चला रहा युवक। दिल्ली के द्वारका में सड़क पर जलकर राख हुई कार, ड्राइवर ने मुश्किल से बचाई अपनी जान। दिल्ली के भजनपुरा में ट्रक में मिली लड़की की लाश की मिस्ट्री सुलझी, रेप के बाद की गई थी हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। शिमला में जंगल से मिला 2 दिन से लापता छात्रा का शव, हत्या की वजह अब तक साफ नहीं। यूपी के गाजीपुर में 4 लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक अय्याशी के लिए आरोपी करते थे लूटपाट। मॉडल सोनिका चौहान की हत्या के आरोप में अभिनेता विक्रम चैटर्जी गिरफ्तार, कोर्ट ने 10 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा। सूरत के कारोबारी रितेश रबारी के सुसाइड केस में नया मोड़, गर्लफ्रेंड ने कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत की याचिका। मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, नोएडा से आगरा जाते समय डिवाइडर से टकराई कार, 5 लोगों की मौत। मुंबई में एक छात्रा को अगवा कर सुनसान इलाके में रेप, पीड़िता ने 4 को पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। मुंबई के बायकला जेल में हुई हिंसा मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी, सभी की पुलिस हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ी। इंद्राणी मुखर्जी को ठाणे, कल्याण या पुणे के जेल में किया जा सकता है शिफ्ट, बायकला जेल हिंसा में है अहम आरोप। यूपी के एटा में रेप काटने वाले आरोपी की लोगों ने जमकर की धुनाई, बाद में आरोपी को किया पुलिस के हवाले। भोपाल के जीआरपी ने ट्रेन में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया, 5 आरोपी गिरफ्तार, 21 लाख से ज्यादा के सामान बरामद। मध्य प्रदेश के बैतूल में रिवॉल्वर भिड़ाकर युवक से 1.5 लाख रुपए की लूट, पल्सर बाइक से आए बदमाशों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के धार में बक्साना गांव में दर्दनाक हादसा, खुदाई के दौरान धंसी खदान, 5 मजदूर दबे, 2 की मौत। रायसेन इलाके पुलिस ने एक जालसाज को दबोचा, जाली दस्तावेज के जरिए किराए पर ट्रक लेकर कर रहा था फर्जीवाड़ा। मध्य प्रदेश के आगर में बारिश से भींग कर लाखों क्विंटल प्याज बर्बाद, बदबू से कारोबार पर पड़ा असर। गुड़गांव में कपड़ा निर्माता कंपनी पर रैंसमवेयर वायरस का अटैक, 26 लाख की मांगी फिरौती, जांच में जुटा साइबर सेल। फरीदकोट में जमीनी विवाद की वजह से 2 गुटों में फायरिंग, गोली लगने से एक राहगीर हुआ जख्मी। फिल्म बजरंगी भाईजान में करीना की मां का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अलका कौशल और उनका मां को जेल, चेक बाउंस केस में कोर्ट का फैसला। बठिंडा पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, आरोपी से चोरी की 30 गाड़ियां बरामद। महर्षि वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी के मामले में अभिनेत्री राखी सावंत की जमानत रद्द, पेश नहीं होने पर कोर्ट ने सुनाया फैसला। अलवर में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक से 5 लाख रुपए लेकर युवक फरार, किसी भी स्टाफ को नहीं लगी भनक, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें।
अलवर में यूपीए सरकार के दौरान मंजूर हुए एयरपोर्ट को नोएडा ले जाने से कांग्रेस नाराज, पार्टी चलाएगी पोल खोल अभियान। धौलपुर में पंचायत के फरमान के खिलाफ बेटियों की बगावत, जींस पहनकर पहुंची स्कूल। बीकानेर के सरहदी इलाके से दो ड्रग तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से 170 किलो गांजा भी बरामद। कुरुक्षेत्र में सरकारी गौशाला में 25 गोवंश की मौत, जिला परिषद ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़ा व्यापारियों का अग्नग्न होकर प्रदर्शन, कपड़े पर जीएसटी खत्म करने की मांग की। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में गुरुवार को फिर भड़की हिंसा, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बसीरहाट जा रहे बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोका, हिरासत में ली गई रूपा गांगुली को बाद में छोड़ा गया। आज बंगाल बीजेपी कोलकाता में निकालेगी विरोध रैली, राजभवन मार्च कर गवर्नर से करेंगे राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग। फरीदाबाद के संत नगर में सरकारी स्कूल में भरा बारिश का पानी, चार दिन से क्लास बंद, नाराज अभिभावकों ने स्कूल पर जड़ा ताला। दक्षिणी दिल्ली में कुर्सी पर बैठने के लिए आपस में भिड़े विधायक और डीएम, विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने डीएम को 7 जुलाई को पेश होने को कहा। दिल्ली में कपिल मिश्रा के 16,000 पन्नों के दस्तावेज से लोकायुक्त कोर्ट नाराज, सही तरीके से कागजात फाइल करने के लिए 2 हफ्ते का दिया वक्त। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में वीरभद्र सिंह के खिलाफ अब 4 सितंबर को सुनवाई, सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के लिए समय मांगा। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बताया महिला विरोधी, विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एनजीटी की दिल्ली सरकार को फटकार, डेस्टिनेशन बसों को अभी तक न चलाने को लेकर नाराजगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई से परिवार नियोजन से जुड़े कार्यक्रम का करेंगे आगाज, लखनऊ में होगा आयोजन। भरतपुर में राम मंदिर निर्माण के लिए भेजे जाने लगे पत्थर, बंशी पहाड़पुर में लगातार पत्थरों को निकालने का काम जारी। बुलंदशहर में स्वच्छ भारत अभियान बने नए शौचालय, मूसलाधार बारिश में बहे, डीएम ने दिए जांच के आदेश। पीएम मोदी के लिए इसराइल में खाना तैयार करने वाले भारतीय शेफ धर्मेंद्र पवार ने शेयर की अनूठी तस्वीरें, उनके गांव में खुशी की लहर। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रसाद के रूप में बांटे गए पौधे, श्रद्धालु भी हुए नतमस्तक। सावन शुरू होने से ठीक पहले काशी नगरी में शिवमय हुआ माहौल, कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी। बिहार के बोधगया पहुंचे आर्मी चीफ बिपिन रावत, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना और लगाया ध्यान। केदारनाथ यात्रा पर कसा मौसम का शिकंजा, बारिश के चलते नजारा दिखे भोले के भक्त। दिल्ली में 11 जुलाई से हो सकती है टमाटर बारिश, मौसम विभाग के अनुसार 14 जुलाई तक जमकर बरसेंगे बादल। फरीदाबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर्स की बड़ी कामयाबी, मरीज के गले और पेट से निकाली गई 90 सुइयां।